ठीक है सर, मैं अकेडमी का स्टाफ बोले कर रहा हूँ ड्यूटी से। अपने एक सेल बनाने जा रहा हूँ जो हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में एक महीने के अंदर नेट का SSR डाउनलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मेंस वेयर फैशन की दुनिया में जाना पहचाना नाम मेंस वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ ईद के मौके पर 31 मई से RS मेंस वेयर श्याम सिनेमा कैंपस मुजफ्फरपुर बिहार। पहली प्राथमिकता भी स्टूडेंट है, आखिरी प्राथमिकता भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी। और मैंने जैसे चर्चा किया कि हम अपने सिस्टम को ट्रांसमेंट करने की कोशिश करेंगे, चाहे एडमिशन सिस्टम हो चाहे एग्जामिनेशन सिस्टम हो, और स्टूडेंट के फीडबैक से करेंगे। और ये कोई मैं पहली बार नहीं करूँगा, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो चीज़ें इनको रोक रही हैं उनको हम स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे। हम लोग जो अधिकारी इसमें कई बार इग्नोरेंस में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं है, तो वो इग्नोरेंस में हम लोग उनको मैनेज करेंगे, उनका ह्यूमन रिसोर्स स्किल डेवलप करेंगे। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर ये होगा। स्टूडेंट के मामले में हम एक अनवाइल्ड लर्न स्कीम स्टार्ट करने की घोषणा की है मैंने, उसमें हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को छोटा छोटा काम दिया जाए पढ़ते हुए। जो हमारे हिस्ट्री स्टूडेंट हैं वो 4,000, 5,000, 6,000 दो एक घंटे काम करें और उनको मिले। ये सिस्टम भी नया नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कर रही हैं, विदेशों में चलता ही है, और थोड़ा सा स्टूडेंट और टीचर पास भी आएंगे। जैसे कंप्यूटर सेंटर में हमें 5 स्टूडेंट की ज़रूरत है, तो 5 स्टूडेंट को हम लोग बुलाएंगे, उसे वेट लिस्ट में देखेंगे और 5 को उसको करके 5,000 दो महीने 3 महीने जो भी दे सकते। और ये एग्जामिनेशन से अभी ये फंड हम लोग लेंगे, और मैं हर कॉलेज में एक मेरिट लिस्ट मिलेगी। सेशन सर लेट चल रहा है, सेशन बहुत ज़्यादा लेट नहीं है जितना मैंने देखा है और जगह है, और वो हो जाएगा, मेरी बात हुई है जितना मेरे समझ में आया है। नेक्स्ट मीटिंग हम फिर करने जा रहे हैं, और ये सेशन आप देखेंगे 3-4 महीने के अंदर ही आपको विश्वास हो जाएगा कि सेशन कंट्रोल है। बहुत सारे फाइलें अभी दबी हुई है, जो बच्चे का अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो अभी तक सुलझा नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये मेरे नज़र में आएगा तो मैंने अपना सब पत्रकार भाइयों को भी नंबर दिया है, मेरा नंबर वेबसाइट पे भी होगा, आप कोई व्हाट्सएप कर सकता है, कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप कर सकता है, कोई टीचर। और उस मैकेनिज़्म में फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम ठीक हो, जो फीडबैक आए उस पर एक्शन। मेल पे भी मैं एक्शन करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैं एक्शन लेता हूँ, तो ये कोशिश है, यही सब तरीके हैं कि कम्युनिकेशन गैप कम हो, और जो चाहते हैं वो कोशिश किया जाए, लेकिन वो जायज़ होना चाहिए, रूल के हिसाब से होना चाहिए। वो हम लोग करने जा रहे हैं और कोशिश पॉजिटिव रहेगी। ये मैसेज मैंने सीनियर अफसर कमेटी में दे दिया, जो अफसर इस लाइन में आएगा उसको प्रमोट करेंगे, जो नहीं आएगा उसको ही। ये सारी चीज़ें आजकल आप सुनिए, लोग बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है ना